अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। शुबहात का इजाला पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं सबसे पहले वीडियो देखने के लिए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मोहम्मद अल्ताफ बोल रहे हो? कौन बोल रहे? मोहम्मद अल्ताफ बोल रहे हैं, अहमदनगर। अहमदनगर से मोहम्मद अल्ताफ बोलो। आप ही है ना पिंजारी जो आपके इसके ऊपर लिखा हुआ है? हाँ, अमीन पिंजारी, बराबर। जी जी, कहाँ से अमीन साहब? नंदुरबार। नंदुरबार से। मैं ये बोलना चाह रहा था, वो जो आपने पोस्ट डाली है हमारे दावत की कि मौला साद कांदलवी साहब ने कहा कि क्या क्या है, पूरी इबारत पढ़ो। नहीं पढ़े गया, मेरे को फोन लगाया था, आपने पढ़ी नहीं पहले इसको? नहीं, आप पढ़ो ना पूरी, ताकि मैं आपकी जबान से सुनू ना वो इबारत। नहीं नहीं, मेरे को तो किताब का आपको फोटो भी भेजा ना, आपने पढ़े कैसे, मेरे को फोन कैसे लगाया आपने? पहले आपने स्टडी करें क्या उसकी? आपने पढ़ी भी ना इबारत? वो मैंने तो पढ़ी है ना। अच्छा, क्या है इबारत? किताब में लिखा है ना, आप देख लो एक बार, फिर से स्टडी करो, फिर से लगाओ। आपने सुनो ना, मैंने तो देख लिया, लेकिन आपके जबान से सुनना चाह रहा हूँ ताकि रिकॉर्ड हो जाए। बताओ ना, वही तो सुनना चाह रहा हूँ ना, ताकि वो रिकॉर्ड हो जाए आपके जबान से। अरे तो क्या देखे आपने किताब में, बोलो ना। मौलाना शास्त्र की किताब है ना, अमले दावर हिस्सा नंबर हिस्सा अव्वल सफा नंबर 88। उसके अंदर क्या लिखा हुआ है कि मरकज, हम आपसे पूछे, मरकज निजामुद्दीन के अंदर, मरकज निजामुद्दीन के अंदर बराबर बराबर कि ऐसी नेकियां मिलती है कि हज में भी आदमी जाकर वो नेकियां नहीं कमा, हज में भी वैसी नेकियां नहीं कमा सकता, बरोबर। ये किसकी किताब में लिखेला है बोलो? मलफूजात किसके हैं? मलफूजात किसके हैं, किताब किसकी है, बोलो बोलो। नहीं तो आप बोलो ना। अरे मौलाना कास्ता की किताब आपने पढ़ी नहीं है, फिर कैसी क्या आगे आप मेरे से बात करने? स्टडी कर लो ना जरा अच्छे से। सुनो ना, आपने वो इबारत पढ़ी हुई खुद ने किताब पढ़ा भाई उनकी पूरी किताब की दावत भी पढ़ा, अमले दावत भी पढ़ा, अमले दावत के अंदर ये इबारत लिखी हुई है। अच्छा, तो अभी आपने वो ग्रुप के अंदर वो स्कैन भी लगाया, ऐसा क्या स्कैन लगाया? यानी वो इबारत का स्कैन भी लगाया तुमने? क्या क्या? वो जो इबारत है लिखी हुई मौलाना साहब की मलफूजात की, तो वो इबारत भी आपने लगाया उसके अंदर ग्रुप में? ग्रुप में लगाया आपने? भेजा हुआ ऐसा बोल रहे हैं कि लगाए के समझ मतलब नहीं आने का। वही वही ग्रुप में भेजे आपने वो इबारत पूरी? हाँ, तो भेजा जब तो आपने मेरे को कॉल किया ना, मैंने आपका फोटो देखा, फोटो के अंदर आपने वो जुमला लिखा हुआ, नीचे मलफूजात साथ कांदलवी लिखा, तो वो किताब का भी फोटो लिखे, मतलब वो किताब के अंदर जाइए इबारत लिखी हुई उसका भी भेजे क्या? उसका भी भेजा ना आपने तो? अच्छा, एक मिनट मैं वापिस से कॉल कर रहा हूँ आपका, वो देख कर। मैं ऐसा बोल रहा हूँ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने वो इबारत मौला साहब के नाम पर पढ़ी है, बरोबर? मौला साहब के मलफूजात हुए ना? बराबर। किसने बोला आपको ये बात? आपको आपके पास क्या सबूत है कि मौलाना साहब की मलफूजात नहीं हो? वो जो इबारत लिखी हुई है ना, मौलाना साहब की इबारत नहीं है। सुनो ना मेरी बात तो सुन लो आप। वो जो हमारे दावत जो लिखी हुई है ना, वो सईद खान साहब भोपाली के मलफूजात लिखे हुए उसमें, बरोबर? किसके किसके? सईद खान साहब भोपाली। सईद खान साहब भोपाली के मलफूजात आपके पास किताब है इसी के? ये मौलाना साहब नहीं है हमारे दावत, तुमने जो स्कैन मेरे ना उसी में लिखा है ना, अरे उसी में लिखा हुआ है, अरे उसी में लिखा हुआ है मलफूजात है सईद खान साहब भोपाली करके। मौलाना सईद खान साहब भोपाली के मलफूजात है, मौलाना साहब के नहीं है ऐसा? अरे वो जो मलफूज जो आप बयान कर रहे हैं ना, वो सईद खान साहब भोपाली का है। अरे मौलाना साहब के बयान में भी ये बात मौजूद है? अरे अल्लाह के बंदे, क्यों झूठ बोलते हैं यार, तुम लोगों को शर्म नहीं आती? तुमको जाना है बंदे, जाना है कि नहीं? अरे तुमको शर्म नहीं आती क्या? अभी जाने की नहीं, रैद होती तो अल्लाह नबियों को भी भेजता। टॉपिक चेंज मत करो, ये इबारत पर बात करो, ये इबारत पर बात करो, ये इबारत मौलाना साहब की नहीं है। झूठ बोलते हैं तुम लोग, बेवकूफ लोग। मौलाना साहब ने कितना लोगों को परेशान करके रखे हैं। इधर सुनो ना, अमीन भाई एक बात सुनो, लेकिन ये जो इबारत मौलाना साहब के नाम पे चला रही झूठ है कि नहीं? मैं क्या बोल रहा हूँ, अल्लाह के नबी सल्लम की हदीस सुनाता हूँ, तुमको कि जो बंदा सुनी सुनाई बात चला दे बिना तहकीक के, उसके झूठा होने के लिए इतना ही काफी है। ये तो मेरे प्यारे आका की बात सुनाई,
आप अरे बस मेरे किसी ने साथी सेंड किया कि ये भाई, मौलाना अरे साहब के मौजूद मलफूजात है, है, आप लोगों मौजूद में है, सेंड कर रहे हो, किताबें मौजूद है, कितनी गलत किताबों बात में है, मौजूद है, कितनी गलत बात अरे है। ये तो देखता आप, आपको किताब अरे के ऊपर किताब के में, अंदर अरे के सब तुम्हारा पढ़ने के स्कैन फोटो पढ़ के देखता बोल हूँ रहा मैं। हूँ, इधर सुनो, हाँ तुम्हारा स्कैन पढ़कर ही बोल रहा हूँ मैं कि तुम्हारे अरे स्कैन मेरे में लिखा हुआ भाई, है कि वो मलफूज मौला, वो मलफूज सईद खान साहब भोपाल ही का है। किस पे रोना रोएंगे, मौलाना अरे अल्लाह के दावत के साथ बंदे, साथ में अरे अल्लाह मौलाना के नबी बंदे, के तो साथ। जो एतराज है वो हाँ करो ना, जो एतराज है वो करो, जो एतराज उनके नाम पर नहीं है वो क्यों कर रहे, क्यों झूठ अरे का सहारा ले रहे तुम। इनकी है मेरे भाई, आप मैं झूठ का क्या सहारा बोलूं, ले कि अरे अल्लाह अरे के एक बंदे, अल्लाह इंसान को की कसम खा बचाने के के लिए बोलो, क्यों, अल्लाह की अरे कसम एक खा के इंसान, बोलो कि मौलाना साहब साहब का अरे मलफूज ये लेकर तुम के, मौलाना साहब अल्लाह साहब की को कसम गिना खा के बोलो दो, ना, मैं ये क्या तुम बोलूं, अल्लाह मौलाना की साहब कसम खा को के गिना बोलो ये तुम ही, मौलाना साहब साहब का मलफूज है, तुम ही और गिना, फिर मौला, तुमको तो बहुत, अरे मेरे भाई तुमको है ना जब, कसम खाने की बहुत आदत है, बार बार अरे में अल्लाह अल्लाह की के कसम, बंदे, खुदा की जब कसम, झूठ पक्की बोलेंगे तो बात, बोलेंगे ना मैं कसम खा अल्लाह के की बोल तरफ करके। से, अरे मैं मेरे अल्लाह की अल्लाह, तरफ से अरे बोल मेरे रहा हूँ, भाई, मेरे हाँ खुदा की प्यारे, कसम, मेरे अल्लाह की कसम प्यारे, से मेरे तुमको आता है प्यारे, सब, मेरे भाई, हद से जो ज्यादा इख्तलाफ मेरे को नहीं अमीर करना नहीं चाहिए। मानेगा, जो मेरे को अमीर नहीं मानेगा अरे अल्लाह जेल में के जाएगा, बंदे, कौन अरे बोल रहा मेरे सच को। भाई, तुमको 10 एतराज है ना तो 10 करो, लेकिन 11वां झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम मुसलमान हो कि अरे झूठ नहीं। क्यों बोल लेंगे, अस्तगफार, तोबा कर ले भाई, तू तोबा क्या बोल अरे रहा, तू मेरे तोबा कर भाई, दू, मैं तुम्हारा अभी स्कैन पढ़ वो, के बोल, तुम, मैं क्या बोलता, अभी इधर सुनो, वो, अभी एक तुम ये कसम खा अफ्रीकी, लो, अभी वो तुम ये 15 साल कसम, से इधर पैसे सुनो ना, जमा तुम कर ये रहा कसम था, खा लो तो सोच कि रहा था कि भाई ये मैं जुमला मदीना मौलाना मुल्क के साहब साहब निजामुद्दीन कहेंगे, जाऊँ, झूठ बोल रहे हो। अरे उनकी सईद किताब साहब में लिखा इंजीनियर है आदमी उनकी, है अरे और मौलाना सुलह का साहब साहब आदमी, की, जब उनका इंतकाल मौलाना हुआ, साहब साहब की इधर किताब में सुनो, लिखा है भाई जब मेरे, सईद भाई भोपाली का जब इंतकाल हुआ तो मौलाना अहमद लाठ साहब उनके जनाजे के अंदर थे, अभी शूरा की हिमायत में काम कर रहे थे, उनका मलबूज है वो। अरे भाई तोबा तोबा, अरे मौलाना साहब तुमको साहब की शर्म आनी किताब है, चाहिए यार, अमल तुम लोग दावत, अरे आपको शर्म आना चाहिए ना भाई, अरे अल्लाह कितना के बंदे, कितनी अल्लाह के क्यों प्यारे, मेरे बचाने, भाई, क्यों एक मेरे एक गलती प्यारे भाई, छुपाने तुमको के लिए मौलाना साहब साहब से 10 एतराज है ना, दूसरी मैं क्या गलती बोलता, छुपाने 11वां के लिए क्यों कर दूसरी रहे। गलती, इधर सुनो ना, मैं क्या बोलता हूँ, तुमको मौलाना अरे साहब साहब को अरे अमीर नहीं ग्यारह मानना है नहीं, ना, अरे इधर भाई सुनो, भाई सैकड़ों मत तो सैकड़ों मैं गलतियां क्या होंगी, उन्हें बोलता, मैं देवबंदी क्या में बोलता, परेशान इधर होंगे सुनो, उनसे। इधर सुनो ना मेरे भाई, तुम, मैं क्या बोल रहा हूँ, तुमने ये झूठ बोला कि नहीं ये बोलो, नहीं तुमने, झूठ बोला नहीं, उनकी किताब में है, आप अरे जो हमारे दावा किताब पढ़ अरे लो, अल्लाह के बंदे, वहां मलफूज लिखा हुआ है सईद खान साहब भोपाली का, तोबा तुम मौलाना तोबा साहब तोबा, साहब के नाम पे क्यों चला रहे, क्यों बात है मौलाना तुमने साहब, जो स्कैन भेजे ना उसी पर तुम ये लिखा हुआ झूठ है। क्यों बोल रहे हैं, तुम मौलाना अरे सईद अल्लाह अहमद खान के, साहब पे ये तोहमत क्यों लगा रहे हैं, अरे मेरे भाई, वाह, तुमने खुद तो ने मेरे जो को सबूत स्कैन से भेजे वो किताब किताब भेजो, पे मैं लिखा हुआ बताओ है, तो उसी उसके ऊपर किताब पे लिखा हुआ लिखे है। ले, अरे अल्लाह के बंदे, उसी पर लिखा हुआ है जिस पर तुमने भेजे, जिसका मलफूज होता है ना उसके आगे उसका नाम भी लिखा हुआ रहता। अरे ये किताब मौलाना साहब साहब अरे की, मेरे हमारे प्यारे दावत और मौलाना साहब मलफूज साहब ने मौलाना कोई साहब साहब किताब से नहीं है, लिखी हुई है, वो किसी ने तोबा जमा की तोबा, भी। हमारे दावत है, अरे मस्जिद मौलाना क्या साहब मस्जिद साहब की ने, मेहनत है, मौलाना साहब साहब ने वो किताब नहीं लिखी हुई मेरे भाई, मैं कसम खा के बोलता हूँ, मौलाना साहब साहब ने वो किताब नहीं लिखी हुई, किसी ने उनके नाम पर वो किताब जमा की है, आप वो किताब का ठीक है यार, मुकदमा तुम्हारे पढ़ कहने लो। के मुताबिक, तुम्हारे कहने तुम अरे करने मेरे पड़ो मेरे भाई, मेरे को मत भाई, सिखाओ, मैं तुम क्या बोलता हूँ, अस्तगफार देखो तुम ना, पढ़ लो, आपको जितना चलो इख्तलाफ है ना चलो करो चलो, ना, तुम्हारे मैं क्या बोल तुम्हारे रहा हूँ, कहने मौलाना के साहब साहब से मुताबिक जितना सुनो इख्तलाफ है सुनो, करो, लेकिन मुसलमान है ना, तुम झूठ क्यों चला रहे हैं, अरे कौन झूठ चला रहा तुम भाई चला मेरे, रहे, तुम झूठ चला रहे तुम। सैकड़ों बयानात भरे अरे पड़े अल्लाह के कंफ्यूज बंदे, तो करके सैकड़ों रखी है बयानात लोगों पर को, एतराज करना, ये इबारत क्यों चला रहा, झूठ क्यों चला रहा, अरे भाई मैं क्यों झूठ चलाऊंगा, उनके ये मलफूजात में है, अरे हमने अल्लाह अब के बताया बंदे, मैं बोल आपको, रहा हूँ वहां खुद लिखा हुआ, यानी तुमको पढ़ने नहीं आता, बरोबर तो बात, अरे भाई मैं पढ़ा हूँ, उर्दू भी अच्छी पढ़ा हो, जानता हूँ, अच्छा हिंदी उर्दू भी भी अच्छे अच्छा से जानते, जानता हूँ, फिर जानबूझ के चला रहे झूठ, ऐसा क्यों चलाएंगे झूठ, आप आप तो चला रहे ना चला रहे हो, भाई, मैं खुद ने पकड़ कितनी लिया तुमको, गलतियां मैंने खुद छुपा ने रहे, सेकंड कितनी फोन किया गलतियां तुमको, छुपा पहले रहे, फोन कितनी किया गलतियां, तुम मौलाना साहब अल्लाह साहब, के हाथ में हिदायत नहीं है, अरे मेरे प्यारे प्यारे मेरे भाई, मेरे प्यारे भाई, क्या अच्छा सुनो, मेरे वाला इधर मोबाइल सुनो, का इस्तेमाल अभी करना इधर सुनो, हराम है, इधर कैसी सुनो क्या सुनो, इस्तेमाल करते चलो हैं आप, अभी कैसी क्या अभी इस्तेमाल सेकंड टॉपिक पर करते आते हैं, हैं, अभी सेकंड टॉपिक पर, कैसे इधर सेकंड टॉपिक पर आते हैं, बोलो अल्लाह बोलो, के हाथ में हिदायत नहीं, बरोबर, हाँ अल्लाह के हाथ में हिदायत होती तो अल्लाह नबियों को भी भेजता है, क्या मतलब इसका, अच्छा मतलब तुम्हारा बोलना क्या है इस इबारत पर, बोलो मौलाना साहब साहब का क्या मंशा है इस मामले में, मैं बोल, तुमको मुफ्ती शाकिर, मुफ्ती मौलाना यूनुस साहब के भांजी मुफ्ती शाकिर का बयान भेजता, सुनो मौलाना क्या इधर कह रहे सुनो हैं, ना, मुफ्ती शाकिर का छोड़ो, अभी तुम बोलो, तुमको क्या क्यों इतराज है इस छोड़ो, बयानत पर, मुफ्ती बताएंगे इस ना ये बयान पर तुमको मुफ्ती, क्या इतराज है, अरे अभी ये तुम्हें टॉपिक पर बात मुफ्ती करते, आलिम चलो बताएंगे मैं ना, क्या बोल रहा हूँ, वो मुफ्ती शाकिर को बाजू में रखो, तुम बात करो, ये टॉपिक पर क्या बोलना है तुम्हारा, क्या बोलना है मौलाना साहब तुम्हारा क्या, साहब का तुमको मंशा क्या क्या, समझ में आ रहा, तुम ये बारह से नहीं तो तुमको क्या जब तुम समझ में आ इतराज रहा, कर रहे हो तो मैं को क्या समझ में आ रहा है ये नहीं बोलूं तुमको मैं, क्या लग रहा है, उसमें क्या दिख रहा तुमको, फूल पत्ती क्या दिख रही बताओ, अच्छा अच्छा फूल पत्ती सब तुमको बताओ हाँ तुम बताओ ना, तुमको कुछ बताओ, अच्छी मतलब अच्छी तुमको चीजें कुछ दिख नहीं रही है मालूम, तो तुमको बताओ, सिर्फ इतराज मालूम है, ऐसा ऐसा
तुमको कुछ नहीं मालूम नहीं है कि हमको कैमरा वाला मोबाइल इस्तेमाल करना आराम है। तुम कैमरे वाले मोबाइल पे सेकंड आएंगे कि पहले हिदायत वाले मसले पर बात करेंगे, दोनों में से एक बोलो। बंदर है क्या? बंदर की तरह उछल कूद क्यों कर रहे इधर से उधर? एक टॉपिक पर बात करो। जिसको जो दलील से लाचार होता है ना, जिसको मालूम नहीं रहता, इधर सुनो ना। मैं मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह, मौलाना सलमान नदवी रहमतुल्लाह, सलमान नदवी साहब, इधर सुनो ना, गुमराह वाली बातें इधर सुनो ना। मैं जो है ना तुम्हारे को इबारत कैसी पेश करूंगा, मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की इबारत पेश करूंगा। मैं तुमको साहब रहमतुल्लाह की इबारत पेश करूंगा। मैं तुमको रहमानी साहब की इबारत पेश करूंगा। मैं सलमान नदवी साहब की इबारत पेश करूंगा तुमको। और तुम इधर सुनो, किस पर बात करने की? हिदायत अल्लाह के हाथ। बोलो ना, तुम कह रहे ना। हाँ बोलो बोलो, क्या बोल रहे हो इसके बारे में? क्या क्या है इबारत वो बोलो। मौलाना साहब साहब ने क्या क्या कहना है? मौलाना बोले बोलो ना। मैं क्या वही ना, हिदायत अल्लाह के हाथ में होती तो अल्लाह नबी तू भी भेजता। तुम्हारा कहना मौलाना साहब साहब ने ये बात सही बोले। अच्छा अभी एक बात सुन लो, सुनो। एक तो है ना, सबसे पहले एक चीज समझ लो, उस शरीयत में जीवन मत बन भाई, चीजें दीदी साफ बात कर। हाँ या ना, कुरान को मौलाना साहब ने कुरान क्या है सुना दो भाई, तू कुरान क्या है सुना दो, कुरान क्या है मत बन, कुरान क्या है सुना दो ना, कुरान की। नहीं नहीं नहीं, इधर सुनो ना, जिस सूरह वाले को कुरान काफी नहीं उसको कुछ काफी नहीं। तुमको कुरान क्या है सुना दो, कुरान क्या है सुना दो तुमको, सुनो ना, कुरान क्या है सुना दो सुन। जिसको कुरान नहीं सुनने का उसको क्या सुना सकता है बोलो? कुत्ता नहीं था, शेर था, रहने दे। मैं क्या बोल रहा हूँ, कुरान सुना दो ना, कुरान कुरान क्या है सुना दो सुन ना मेरे भाई, कुरान की तो सुन ले मेरे भाई, कुरान क्या है सुन ले ना, कुरान क्या है बोल रहा, कुरान सुन ले कुरान। यस नो, यस नो। अरे मेरे भाई कुरान सुन ले, कुरान कुरान सुन ले, कुरान ने बोले कुरान सुन ले, कुरान 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 सुन ले, कुरान कुरान सुन ले, कुरान कुरान की आयत सुना रहो, कुरान क्या है सुना रहो, कुरान क्या है सुना रहो। नहीं है तो लाखों में कराम ने बोले गुमराह इंसान। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ, कुरान सुना रहो, मैं कुरान कुरान सुना रहो, कुरान कुरान कुरान। हमारे इमाम साहब के पास जाओ ना, मैं इधर। अच्छा मौला सलमान मजाहिरी साहब, इनको उलमा मानता है कि नहीं मानता? मौलाना सलमान साहब को उलमा मानता है? मैं बताता हूँ ना तू कितना बड़ा जाहिल इंसान। मैं साबित कर रहा हूँ ना, कुरान क्या है सुना तो, कुरान क्या है, कुरान के दे लव कुन्नस्मौ औ नक्तिलु, कुरान क्या कहता है कि जब जहन्नमी जहन्नम पर से गुजरेंगे ना, जहन्नमी जहन्नम पर से गुजरेंगे ना, तो वो अपनी वजह बताएंगे जहन्नम में जाने की, कि हम जहन्नम में क्यों आए, तो जहन्नम में जाने की वजह बयान करेंगे कि हम सुनते भी नहीं थे, समझते भी नहीं थे, हमको सुनना भी नहीं था, हमको समझना भी नहीं था, क्या नहीं? यही वजह है कि हम जहन्नम में आ गए। काम नहीं है तो कुरान का भी है ना, तो कुरान क्या कहता है मालूम क्या? वइजा दुनिया मौजूद है ना, फस्तमिउ लहू व अंतिदू लअल्लकुम तुरहमून। जब कुरान पढ़ा जाए तो खामोश रहो ताकि अल्लाह तुम पर रहम फरमाए। मैं क्या बोल रहा हूँ अमीन भाई, पागल हो गए, पागल हो गए, पागल। तुम्हारा कोई गुरु घंटा रहेगा ना, उसको बोलना ये हिदायत वाले मसले पर उसको फोन लगा। मैं क्या बोलता हूँ, मुफ्ती मसूद दुनिया है ना जो तुम्हारा चमार है, उसको बोलना कि इस मसले पर अगता पर से बात कर ले, हिदायत अल्लाह के हाथ में। मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की इबारत पेश करता हो, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह की इबारत पेश करता हो, वो मुफ्ती मसूद दुनिया है ना जो अंधों में कान और राजा बना हुआ है, उसको बोला फोन लगा। यस या नो, मेरे भाई, मेरे भाई तेरी औकात नहीं है, तेरी औकात नहीं है, तू मत बता। मैं बोल रहा हूँ कुरान पेश कर रहा हूँ, कुरान पेश करने की औकात नहीं, तेरा काम नहीं है, तेरी औकात नहीं है। अरे मेरे भाई मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह की इबारत पेश कर दो, मैं मेरी ये औकात है। मौलाना सलमान नदवी साहब की इबारत, उनका फैन पेश कर रहा हूँ, उलमा का फैन पेश कर रहा हूँ, जिसके ऊपर देवबंदियत नाच रही है, कारी तैयब साहब रहमतुल्लाह का फैन पेश कर रहा हूँ। मौलाना साहब साहब को मत समझा, मौलाना साहब साहब को मत बोल, पूरी बात मेरे भाई, मैं कोई मौलाना साहब साहब का वकील नहीं हूँ, लेकिन तुम लोग जो जाहिलाना हरकत कर रहे हो, जो झूठ चला रहे हो मौलाना साहब साहब के नाम पर, तो ये इसका इसका जवाब तेरे को तो ये भी नहीं मालूम है कि उसू इल्जाम पर होता है कि इल्तजाम पर होता है? मौलाना साहब साहब ने मौलाना साहब साहब पर इल्तजाम है या इल्जाम है? मौलाना साहब साहब ने इंतजाम किया इसका कि मेरा यही मानना हुक्म है? मौलाना साहब साहब को ये देना देना है ना? अरे मेरे भाई, भारत को दाल उधर लेके जाके तुम सारे कुरान के मुनकिर हो, तुम लोगों को हदीस मालूम नहीं, तुम लोगों को नबी भी उसूल नहीं मालूम, देवबंदियत के बाद से भी भटके नहीं तुम लोग। एक अरे सामने भी आएगा ना, आ जाएगा ना मेरा भाई, लेकिन भाई मेरे भाई की तेरी औकात आ गया, औकात भी आ गया, तेरी औकात नहीं है मेरे भाई, सुन ले
अमीन अरे भाई बहुत बड़े बड़े तिंजारी, आलिम अमीन पड़े तिंजारी, हैं वो तू जो है ना, मेरे एक भाई अपना हैं। कारी देव साहब का नाम भी नहीं सुना रहेगा आज तक। रहने मौलाना दे, शबरी सबको थानवी कहता हूँ रहमतुल्लाह के मलबूजात अच्छे स्कूटर से को हवा आवाज भी नहीं आओ लगी सबको, रहेगी। सबको जानता हूँ, मौलाना रहने दो सलमान तुम्हारे नदवी पास साहब है सब ना, बातें, मौलाना सलमान नदवी साहब का यूट्यूब वो के भी ऊपर तेरे बयान पास सर्क रहेंगे, करे वो भी तकदीर के तेरे पास मसले रहेंगे पर, दे, तो मेरे तेरे को जैसे क्या मालूम बोला चलेगा आया कि कौन सी बात कहाँ ना से जवाब बारीक दो तुम रास्ते मेरे से को। निकलती है। हाँ मौलाना हाँ साहब तो ये के इस बात के ऊपर, यानी उनके सिया को घुमा सपा कर फिरा डाला, कर बरेली से घुमा नीचे गिर फिरा गए कर तुम लोग, बचाने की कोशिश मत बरेली से कर, नीचे गिर प्लीज गए तुम यार लोग, याद शर्म आनी आने चाहिए दो, तुमको, मेरे डूब पास मरो, समझो अरे सुअर तेरे हो को तुम लोग, शर्म आने को ना, तुम डूब मरो रे, कितने शर्म कंजूस शर्म करके आनी रख चाहिए दिए रे तुम तुमने लोगों को, लोगों, तुम लोग अरे इतने तुम डूब नीचे मरो गिर रे, गए, इतना इतने नीचे परेशान गिर करके गए, रख दिए इतने रे, नीचे इतनी गिर बातें गए तोबा कि जिसकी तोबा, हद वो नहीं, अफ्रीका का नीचे गिर इंसान गए तुम लोग। 15 साल वो से जो अंडे मुफ्ती से मसूद जाना चाह दुलिया है रहा ना, था। अंधों में काना राजा, उसको बोल फोन हाँ उठाने के लिए, तोबा उसको तोबा कर बोल। ले तू, तोबा तोबा अरे हमको मालूम तू है, हम अपना तोबा कान रोज ही कर पढ़ रहे ले, हैं, रोज ही अल्लाह के तोबा कर नबी रहे हैं। पास मौलाना सल्लम अनवर बहुत शाह कश्मीरी सख्त रहमतुल्लाह अलैह फरमाया फरमाया दो, करते थे रोजाना 100 मरतबा कि सर अहले गैर करके दो, जमातों को आप खत्म भी करने के अस्तगफार लिए पढ़ो, बाज आप लोग भी अस्तगफार कुत्तों कर की लो, फौज बनाते हैं, तेरे जैसे लोग होते हैं वो अस्तगफिरुल्लाह कुत्ते जो झूठ अस्तगफिरुल्लाह बोलकर भौंकते हैं, अस्तगफिरुल्लाह, तोबा तेरे तोबा जैसे तोबा कुत्ते और तोबा, मुफ्ती मसूद जैसे इतने कुत्ते भौंकते हाँ हैं फिर, समझ ऐसा रहा। है क्या भाई तू, वो हाँ मुफ्ती समझ, मसूद को बोल फोन हाँ उठाने के हाँ लिए, अगर वो अपने माशाल्लाह बाप की औलाद माशाल्लाह, है ना तो फोन पे दो बात महीने की करने बोलना, सख्ती ताकि से, दो तेरा महीने झूठ की सबके सख्ती में सामने आ सीधा जाए। क्या कुत्ता बोलना दो, हाँ मेरे वहां जा भाई जाके सीधा तो दो मौलाना महीने अनवर की शाह सख्ती कश्मीर में, रहमतुल्लाह अलैह का कॉल सुना है मैंने, नहीं अभी दो तुम, महीने की सख्ती में अभी ये तो सीधा क्या शुरुआत है, दो तुम कुत्ता देखते जाओ बोलना, अल्लाह अरे तुम्हारी क्या हालत करता है। तुम लोगों ने जितना झूठ वो बोला है ना, इस वजह से तो हम तुमको जैसे तो लोग पाकिस्तान मैदान के नजर अंदर आ आए, जाते हैं, जो तुमको जो तूने है तो ना, देख के देख तुमको लिया ना, तुम्हारी हमारा औकात कितना बता रहे, है, मेरे तुमको प्यारे तो हबीब इतनी पाकिस्तान नजर धुलाई आ काफी जाते हो हैं, गई, तंबू तेरी बांधने औकात उतर नहीं है गए, अभी। तंबू बांधने उतर गए, आज तेरी औकात अरे नहीं, दूर फोन तेरी नहीं मेरे औकात भाई, है, मैं फोन क्यों उसकी माया रखूं, नामे मेरे पास तो कहते हैं, कुरान अब हदीस उसकी है, बहस कर, मेरे पास तो नबवी तरीका है, मेरे पास तो अरे ये तो उसूल कुरान सहाबा और है, हदीस मेरे के पास खिलाफ मौलाना जा शबरी रहे हैं, थानवी रहमतुल्लाह बिल्कुल अलैह, कारी तैयब साहब खिलाफ रहमतुल्लाह जा रहे अलैह, हैं, मौलाना सलमान हमारे नदवी पास साहब है, उलमाओं कुरान के मेरे पास दस्तखत मौलाना सलमान मौजूद है, बजायरी साहब यही है, और ये यही सब इंसान है, इबारतें मेरे मोहरा पास बातें मौजूद की है। है, और मजबूरे इनको ऐलान करना मैं पड़ेगा, क्या उसको बोल करना रहा हूँ, पड़ेगा, ये जो है ना, ये जो तू अरे भाग आप रहे है ना, क्या, ये ये तेरी सब शिकस्त है, ये ये मैं नहीं तेरी भाग शुराई रहा, की मेरी शिकस्त है, बाजरा तेरे ये मेरे जो है ना पास तेरी जवाब शुराई, नहीं है, ये तेरी शुराई की चुराई की शिकस्त है, टिकट नहीं है, तेरे हक्की काम, जीत तेरे नहीं, काम में इतनी हक्की है, सलाहियत हक्की मौजूद है, नहीं है कि तू वो एक सुन ले। इंसान को तेरे भी कान में ताकत नहीं है कि आप मैं जवाब दे दे, क्या तेरे भी बोल रहा कान था, में सुन ले, ताकत मैं नहीं है, खामोश होता हूँ, तू 5 मिनट तू मेरे को बोलते रहे, इतना बोल, इतना फिर जवाब मैं दे, बोलता तू हूँ, तू खामोश होना, ठीक है ना, तू इतना मैं जवाब दे खामोश कि हूँ, हवा मौलाना साहब ले ले, साहब ने पांच जो मिनट बोले भोगते थे रहे, वो 5 मिनट भोगते रहे, फिर तू बोल, मैं बोलता हूँ। हाँ अच्छा, तू मैं भोगते बोलू, रहे भोगते रहे, मैं बोलू क्या, बोलू, मेरे को सिर्फ इतना बोल, मौलाना साहब साहब ने जो बात बोली थी कि अल्लाह के हक में हिदायत होती तो अल्लाह नबी को ये कितने उन बार पर इल्जाम सच है, ये झूठ है, ये उन पर है, इल्जाम है, ये तो झूठ है, बयानात मौजूद है, ये उन किताबों पर में इल्जाम लिखा है, है, उनके तो बयान को नहीं काट नहीं कर पेश नहीं कर दिया है, ये शूरा अल्लाह वालों को की जवाब, तू खियानत देख, है, चल ये तू शूरा बयान दे वालों की मौलाना का, खियानत तू है, मौलाना का बयान दे, ये चल शूरा फसादी शूरा की खियानत है, ये तेरे तोबा कर मुफ्ती ले मसूद तोबा, जैसे 1995 जो से है ना जो खिलजी पूरा सिफत 300 इंसानों की हजार खियानत कलमा है, तक के कोई कोई मैं कोई क्या पिस्तौल बोल रहा मार हूँ, मारी नहीं, कुछ तेरे नहीं, ये ये ड्रग्स के मुफ्ती हाथ में मसूद पत्ता जैसे नहीं, तो खिलजी इमाम सिफत उलमाओं इंसानों को की ये सियासत है। अच्छा सीखा मौलाना तूने, दो साहब साहब महीने का ना ये में मंशा है, तरतीब ना देखो, चार उन्होंने महीने वो ना जो बात तेरे, कर चार रहे हैं महीने वो जो बात लगे ना एक उसी इल्मी पे, नुक्ते से ऊपर से तेरे जो बात चली चार आ रही महीने है, लगे ना वो मसले जाहिर हो तकदीर रहे, के है, मसले पर चार बात चली आ खिलजी रही, कुत्ता उसी बात के खिलजी दौरान मौलाना साहब कुत्ता, साहब ने वो बात कही, उनके हिंदी और दिगर कुत्ता ही बयानात को तू, जब तेरे सुन चार लेंगे महीने तो बहुत उसके अच्छे अंदर लगे हजारों हुए, समझ मरतबा मौलाना साहब साहब ने नहीं ये आ रहा बात कही हमको, कि हर नफे नुकसान का मालिक अल्लाह है, हिदायत का भी मालिक अल्लाह है, इसके तू पचासों इल्जाम बोल बयानात मौलाना रहा, साहब साहब के तू मौजूद इल्जाम है, बोल रहा, जब मैं क्या कह इल्जाम रहा, होता है उसका मैं इल्तजाम क्या बोल तुम रहा लोग हूँ, ऐसे 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 बीमार हो, जहनी बीमार हो, कि मौजूदी के साथ में भी हमारे उलमा ने वो हाँ काम तो नहीं किया जो तुम मैं मौलाना देवबंद साहब से तो साहब के बोलेगा साथ कर ये रहे हो। मौजूद मौजूदी की दावत दी जा रही है, दीन अरे के अंदर शर्म हमारी करे भाई, बातें अगर हैं, कभी जिंदगी बहुत में नाम सारे नहीं सुना सोबा कि इन लोगों करने के देवबंद ना का, देवबंद का फतवा दे रही है तू, अरे मौजूदी की दावत दी जा तोबा 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 ऐसे शुरा, ये तो अल्लाह का।